हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमित शाह की रैली में महिलाओं की सलवार उतारकर अंडरगार्मेंट्स तक हुई तलाशी, छीने गए काले दुपट्टे। महिलाओं के अपमान में भाजपा मैदान में, ये लाइन भाजपा पर एकदम सही सिद्ध होती है क्योंकि भाजपा ने छत्तीसगढ़ में एक तरह से वहां की महिलाओं का अपमान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भिलाई में महिला सम्मेलन को लेकर रैली की, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां आई महिलाओं और युवतियों के अंडरगार्मेंट्स की भी तलाशी की। ये सब इसीलिए किया गया क्योंकि अमित शाह को कोई काली पट्टी ना दिखा दे। भाजपा के पदाधिकारी इस बात को लेकर चिंतित थे कि वहां आई कोई महिला शाह को काले कपड़े दिखाकर विरोध न कर दे, इसीलिए महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स के साथ में युवतियों की काली लेगिंग्स भी उतरवा ली गई। जो लड़कियां काली साड़ी, चुनरी और दुपट्टा पहनकर गई, उन्हें वही उतरवा कर फेंक दिया गया। भाजपा के महिला के अस्मत के साथ खिलवाड़ करने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नेता किरणमयी नायक ने कहा, अभी तक तो युवकों के मोजे और बेल्ट उतरवाए जा रहे थे, अब भाजपा सरकार कितनी घटिया स्तर पर नीचे गिर चुकी है कि महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स तक चेक करवा रही है। भाजपा महिलाओं के सम्मान की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ उनके अंडरगार्मेंट्स चेक कर उन्हें लज्जित कर रही है। किरणमयी नायक ने आशंका जताई कि जिन महिलाओं का अंडरगार्मेंट चेक किया गया उनकी वीडियो क्लिपिंग भी बनाई गई होगी, इसको लेकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। आखिर महिलाओं के साथ इस तरीके का बर्ताव किसके पहनने पर किया गया? क्या महिलाओं की इज्जत से बड़ी अब अमित शाह की इज्जत हो गई है जिसके लिए औरतों से लेकर लड़कियों के कपड़े उतरवा लिए जा रहे हैं? दिल्ली से आहत होकर गांव लौटे किसानों ने लगाए बोर्ड, भाजपा नेताओं का गांव में आना मना है। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में एक रैली की। उनकी इस रैली में किसानों को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसानों से वादा करते हुए कहा कि अगर प्रदेश में उनकी दोबारा सरकार बनती है तो किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस रैली के दौरान बीजेपी सरकार ने बताया कि उसने किसानों की हालत सुधारने के लिए बहुत काम किए हैं। किसानों के लिए शुरू की गई कई योजनाओं का जिक्र करते हुए सत्ताधारी बीजेपी ने दावा किया कि उसके राज में किसानों का विशेष ख्याल रखा गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दावे के मुताबिक अगर बीजेपी की सरकारों ने किसानों के लिए इतना ही काम किया है तो फिर किसानों में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश क्यों है? किसान क्यों अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? अगर सच में बीजेपी के राज में किसानों का उद्धार हुआ है तो वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए हरिद्वार से दिल्ली तक की पैदल यात्रा क्यों करते दिखाई दे रहे हैं? अगर सच में बीजेपी किसान हितैषी है तो किसान उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश के कई गांवों में किसानों ने बीजेपी नेताओं के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक गांव के बाहर तो किसानों ने बोर्ड भी लगा दिया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है, बीजेपी वालों का इस गांव में आना सख्त मना है, जान माल की स्वयं रक्षा करें। बता दें कि हाल ही में यूपी की पुलिस ने किसान क्रांति यात्रा पर निकले किसानों को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा था। ये किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन यूपी की पुलिस ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया था और इनकी जमकर पिटाई की थी। किसान इसी बात को लेकर बीजेपी से नाराज है। किसानों की माने तो बीजेपी अपने चुनावी भाषणों में किसानों के हित की बातें तो खूब करती है लेकिन किसानों के लिए करती कुछ नहीं। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह का कहना है कि बीजेपी ने 2014 के घोषणा पत्र में किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार किसानों का दर्द नहीं सुन रही, इसका खामियाजा उसे 2019 में भुगतना पड़ेगा। चुनावी ऐलान से पहले बीजेपी का राजस्थान छत्तीसगढ़ में बड़े वादे, चुनाव आयोग मोदी आयोग में बन गया है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। उसके साथ ही चुनाव आयोग पर सवाल उठना शुरू हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखें बताने के लिए वक्त में बदलाव कर दिया। कई लोगों को फर्क ना पड़े कि क्या हुआ जो चुनाव आयोग ने 12:30 बजे की जगह 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर राजनीति में सही वक्त का इंतजार होता है, चाहे उसके लिए संस्थानों को निर्देश क्यों न देना पड़े। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई चुनाव आयोग निष्पक्ष है?
तो फिलहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वक्त बदलने से कई चीजें एक साथ बीजेपी के पक्ष में आ गई। जैसे पीएम मोदी ने अजमेर में रैली करते हुए राजस्थान में मुफ्त बिजली देने का वादा किया, क्योंकि अगर चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाता तो ये वादा नहीं हो पाता और पीएम मोदी का राजस्थान जाना व्यर्थ चला जाता। वहीं दूसरी तरफ जहां पीएम मोदी नहीं पहुंचे वहां भी बड़ा ऐलान हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फौरन मौके पर चौका मारते हुए 295 किलोमीटर की 9 रैली नेटवर्क के लिए 6,000 करोड़ लगाए जाने की घोषणा कर दी। इन घोषणाओं के कुछ मिनटों बाद ही चुनावों की घोषणा हो गई और आचार संहिता लागू हो गई। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, जो कि पिछले 14 सालों से बीजेपी शासित राज्य है। छत्तीसगढ़ के बाद एक बीजेपी शासित प्रदेश मध्य प्रदेश की बारी आएगी, जहां बीजेपी और कांग्रेस में एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत इन दो राज्यों में झोंक देगी। अब जब इन राज्यों से गोदी मीडिया की मदद से चलाए जाने वाले सर्वे और मीडिया में कथित रूप से मोदी लहर चलाई जाने लगेगी, तो उसके बाद राजस्थान रण में बीजेपी कांग्रेस से दो दो हाथ करेगी, जहां कांग्रेस कमजोर नजर आएगी, क्योंकि बाकी के दो राज्यों से बीजेपी की हवा बनाई जा चुकी होगी। ये सब मात्र एक सहयोग नहीं हो सकता। तरीकों से खेलने में एक बात और उजागर हुई कि पहली बार मध्य प्रदेश का चुनाव छत्तीसगढ़ के बाद होगा। अब इसके बाद भी चुनाव आयोग को निष्पक्ष कैसे माना जा सकता है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने पत्रकारों के बिना सवाल पूछे ही सफाई पेशी की। पत्रकार वार्ता के समय बदलने से बीजेपी रैली की भूमिका नहीं तो शक तो पैदा होता। अगर इतनी सेटिंग करने के बाद भी चुनाव आयोग और सरकार ये समझती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो उसे ये बात समझनी चाहिए लोकतंत्र में पब्लिक है जो सब कुछ। देश बुरे दौर से गुजर रहा है, फिर भी गोदी मीडिया को अपने मालिक में कोई कमी नजर नहीं आती, कहते हैं संजय सिंह। इंडिया टुडे माय इंडिया पीएससी सर्वे के मुताबिक गुजरात से 61% प्रतिभागी नरेंद्र मोदी को फिर देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं राज्य से सिर्फ 28% प्रतिभागियों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पसंद बताया है। मीडिया की मदद से उजागर करवाए जाने वाले ऐसे सर्वे के पीछे एक आम राय बनाने की कोशिश होती है। अगर सर्वे की माने तो पीएम मोदी गुजरात की पहली पसंद है। अगर ऐसा था तो गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें क्यों बढ़ी। इस सर्वे पर दूसरा सवाल ये उठता है कि नोटबंदी और जीएसटी की मार झेल रहे व्यापारी वर्ग ने पीएम मोदी को खारिज कर दिया और सड़कों पर निकलकर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, मगर सर्वे में उन्हें गुजरात की पसंद बताया गया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, भले ही देश में महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, किसान की आत्महत्या बढ़ रही हो, लेकिन जय रूपी चैनल को अपने वीरों में कोई कमी नजर नहीं आती। इन चुनावी सर्वे से एक बात तो तय की है कि किसी भी पक्ष में इन्हें अंतिम फैसला नहीं मानना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल अक्सर इसे खुद की लोकप्रियता में इजाफा करने के लिए करते हैं। एमपी में सत्ता के नशे में भाजपा नेता, बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान ने ट्रोल कर्मी को बेरहमी से पीटा। बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ताजा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से सामने आया है, जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने एक टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। दरअसल चौहान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के शिवपुरी दौरे की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में हिस्सा लेने आए थे। बैठक के बाद वे 5:30 बजे जब पुरनखेड़ी टोल प्लाजा पहुंचे तो उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। इसके बाद टोल पर तैनात कर्मचारी श्याम दीक्षित ने चौहान से टोल के पैसे मांगे, जिस पर सांसद को गुस्सा आ गया और अपने गार्ड के साथ गाड़ी से उतरकर श्याम दीक्षित को पीटना शुरू कर दिया। बीजेपी सांसद ने कर्मचारी को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीजेपी सांसद की इस गुंडई का वीडियो भी सामने आया है, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर बीजेपी और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी नेता आलोक अग्रवाल ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, इस वीडियो में भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री नंद कुमार चौहान टोल कर्मचारियों की पिटाई करते साफ दिखाई रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, अगर मप्र में कानून का राज है तो श्री नंद कुमार चौहान एवं अन्य साथियों की तुरंत गिरफ्तारी कराए। वही इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, ये है भाजपा की संस्कृति और संस्कार,
पूर्व प्रदेशाध्यक्ष की मौजूदगी में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को पीटा गया। ये मामला अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। मामले को दबाने की हर संभव कोशिश हो रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।